गर्मी बहुत है। मेरे पास पानी थी पर वो खत्म हो गई। Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Bgpian Sudhanshu and you are watching me. So, अभी समय हो रहे हैं 5:25 और मैंने अपनी राइड शुरू की है 5:20 में। और सो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू लखनऊ जो कि है अराउंड 517 किलोमीटर्स। और मैं अपनी राइड शुरू करने वाला था 4 बजे ही, बट कुछ इशू आ गई इसीलिए मैं नहीं कर पाया 4 बजे शुरू। बट कोई नहीं, 5:20 में ही सही शुरू तो हुई। मैं बस यमुना एक्सप्रेसवे को ठंडे में ही क्रॉस करना चाह रहा था क्योंकि वो कंक्रीट वाली रोड है और वो हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी बस अभी भी इतनी सुबह है तो वो उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 7 बजे तक मैं उसे क्रॉस कर दूं। अब बाकी देखते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ नोएडा एक्सप्रेसवे पे। जी अभी मैं आ चुका हूँ नोएडा एक्सप्रेसवे पे और ये मुझे लिंक कर देगी जाके यमुना एक्सप्रेसवे पे, मुझे लिंक कर देगी। अब बस लखनऊ जाना है। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा से दिल्ली आ रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे पहले तो मेरे जो टायर थे उससे उसमें एक पंचर हुआ, ठीक है। और वो पंचर क्या हुआ, टायर में एक पंचर हुआ पहले। तो वो पंचर ऐसे नहीं हुआ कि धीरे धीरे हवा निकल रहा था, वो पंचर जो है हवा निकलता होगा शायद धीरे धीरे और अचानक टायर में प्रेशर जो है कम हो गया। सो मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं राइड कर रहा था और मैं उस वक्त करीबन 80 के स्पीड में था और अचानक से मेरी गाड़ी का जो टायर जो है टायर रिम छोड़ दिया और मेरी स्कूटी जो यूं 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 बीच हाईवे भागने लगी। वो तो मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे तुरंत साइड किया, बहुत मुश्किल से तुरंत साइड में किया, उसके बाद में चलने लगा। यहाँ तक तो आप लोग को मालूम ही होगा। उसके बाद क्या हुआ तो मैंने फिर फ़ोन किया हाईवे वाले को जो रहते हैं हेल्प में, उन्हें वो लोग आए, वो लोग ने मेरी मदद की। उसके बाद जो है वो लोग जो बनाए पंचर सही से नहीं बनाए, एक जगह जो है कुछ दो बत्ती जो होती है जो स्टिक जो होती है जो कि ट्यूबलेस टायर में जाती है वो दो जाने की थी और उन्होंने एक ही डाला और जिसकी वजह से हवा जो है लीक कर रहा था उस वक्त। तो मैंने पूछा भैया बन गया, तो उन्होंने बोला हाँ भाई बन गया, आपको टेंशन नहीं है, तुम जाओ आराम से। तो मैंने आप लोगों को देखा ना, मैंने वहाँ से निकल गया उसके और उन्होंने मुझे बोला कि अगले टोल गेट पे आपको जो है एक पंचर वाला मिलेगा, वहाँ पे आप चेक करा लेना फिर से। मैं वहाँ गया तो वहाँ चेक करा, अब वो भी क्या, उन्होंने 600 रुपये चार्ज किए मात्र दो पंचर बनाने के, 350 आने के और 150 रुपये, 650 रुपये वो मांग रहे थे, मैंने 600 रुपये ही दिया था। और उसके बाद जो है मैं जैसे थोड़ा आगे बढ़ा सेकेंड बूथ के बाद मैंने चेक कराया तो वहाँ फिर पंचर, और जहाँ पे उन्होंने पंचर बनाया था उसी जगह पे। तो उस दुकान वाले ने कहा कि भैया आपकी पंचर जो बनाया गया है ये तो सिर्फ बंद कर दिया गया, ये सही से नहीं बनाया है, इसकी वजह से हवा लीक कर रहा था। मैंने बोला चलो ठीक है तू बना दे हवा सही से। तो उसने जो है दो पंचर बनाए उसी जगह पे, दो स्टिक डाले और उसने मुझसे 140 रुपये चार्ज किए। मैंने कहा चल पैसा तेरे को दे दूंगा पर वो काम होना सही। उसने बहुत मशक्क़त से ये वो डाल के उसने काम सही किया होगा जैसा मुझे लगता है। उसके बाद जो है क्या हुआ, उन्होंने मैंने बोला कि भैया आप चलेगी ना, बोला हाँ। मैंने बोला बीच में टायर की हवा चेक करनी पड़ी क्योंकि मैं एयर इन्फ्लेटर लेके चलता हूँ, तो बोला नहीं आप करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो है फिर 40 किलोमीटर उसके आगे निकला, मैं 40 किलोमीटर आगे बढ़ा। फिर मेरे मन में क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं
टायर प्रेशर को चेक किया जाए। तो मैं जैसे ही टायर प्रेशर चेक करता हूँ तो उसमें दिखाई देता है वहाँ पे जो है मेरी टायर प्रेशर थी 35 उन्होंने भर के दी थी, और मैं जब यहाँ टायर प्रेशर चेक करता हूँ तो उसमें थी 29। मैं कहा ओ ये क्या हो गया भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने उस और उस वक्त अंधेरी थी पूरी हाईवे, मेरे पास लाइट भी थी पर मैंने उस वक्त निकाला नहीं समझा क्योंकि इट वॉजेंट सेफ। तो मैंने उसे धीरे धीरे चला के जो है उसे मैंने टोल गेट के पास ले गया, अगले टोल गेट के पास, थर्ड टोल गेट के पास, और वहाँ पे जाके हवा में मैं हवा चेक करता हूँ तो देखता हूँ क्या कि मेरी जो टायर की हवा है उस वक्त वहाँ पे हो गई है 21। तब मैंने वहाँ पे जाके अपना एयर इन्फ्लेटर निकाला और वहाँ पे जाके मैंने उसमें हवा डाली, और वहाँ से थर्ड टोल प्लाजा से अराउंड 70 किलोमीटर्स था, अराउंड 70 किलोमीटर्स मेरा रूम था। तो वहाँ पे मैंने हवा डाली, फिर मैं चलते गया, मैंने अपनी राइड शुरू कर दी। मैं सोच रहा था बस मुझे, और मेरी स्पीड उस वक्त 60-55 में इसी लेके यही लेके चल रहा था। मैं उस वक्त इतना मेरे दिमाग ख़राब हो गया था कि मैंने सोचा भाई अब सीधा किसी तरह मैं पहुँच जाऊँ बस, उसके बाद तो देख लिया जाएगा। तो मैं किसी तरह भी 55-60 पे ही मैं गाड़ी चला रहा था। मैं करते करते किसी तरह भी पहुंच गया ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जहां पे जो है कट होती है दो, जहां पे जो है रास्ता डाइवर्ट होता है, एक ग्रेटर नोएडा जाता है, एक तो दिल्ली और नोएडा जाता है। तो मैंने उस रूट पे वहां पे, और वहां पे एक गोलंबर है, तो मैंने वहां पे ले जाके जो स्टॉप किया स्कूटी, और वहां पे मैं हवा चेक करता हूं जब, तो मैंने वहां पे थर्ड टोल प्लाजा में डाला था 35 डाल दिया था क्योंकि हवा लीक कर रही थी। तो वहां जाके देखता हूं कि वहां मेरी जो हवा है वहां फिर से 20 पे आ गई है। मेरी दिमाग एकदम पूरी तरीके से गर्म हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर एयर इन्फिल्टर निकाला अपना, फिर से मैंने उसमें हवा डाला, फिर से उसे लेवल किया, और मैं सोचा कि अब कहीं नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, बीच में रुकूंगा अब रुकना नहीं, क्योंकि रात के उस वक्त जो जब मैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे मैं चढ़ा था वो गोलंबर के पास, तो उस वक्त टाइम हो रहा था अराउंड टेन फिफ्टीन बज गए थे रात के। तो मेरी दिमाग ख़राब हो रही है, इतनी मेरी दिमाग गर्म हो रही थी कि ये 200 किलोमीटर की राइड इतनी मेरी लंबी पड़ी थी। बट कोई नहीं, उस वक्त तो थोड़ा अब आपको सिचुएशन पे तो अब गुस्सा आना है, लाजमी है, बट मैंने अपने दिमाग किस तरह भी कंट्रोल करके जो है रख रहा था। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। उसके बाद लकीली फिर मुझे कहीं हवा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं सीधा, मैंने चेक किया ही नहीं, और उसके बाद मैं सीधा जो है अपने रूम पे आया। रूम टायर की तरफ मेरे फिर घूम के देखा भी नहीं, मैं सीधा मैंने गाड़ी लगाया, सामान उतारा, और मेरे रूम पहुंचते मुझे हो गए थे अराउंड 11:35 मुझे रूम पे आते आते हो गए थे। मुझे टाइम अभी एक्जैक्टली याद नहीं, बट हाँ 11:10 के बाद ही हो रहे थे, 11:35 ऐसा कुछ हो रहा था। और मैंने दूसरे दिन ही जाके मैंने MRF की, अब मेरे पहले मेरे CET की टायर थी और अब मैंने MRF की डालवाई है, MRF की मोटो ग्रिप M, और ये टायर मुझे पड़ा अराउंड 1175 रुपीज़ की पड़ी, और इसके अंदर इस बार मैंने लिक्विड भी डलाया है, जो कि उन्होंने बोला है कि ये जो पंचर होती है आपकी टायर तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको लॉक कर देगी, आपको पंचर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका मुझे पड़ गया अराउंड 650 रुपीज़। उसके बाद मैंने अपने गाड़ी का इंजन ऑयल भी चेंज करवाया, क्योंकि अराउंड 2100 किलोमीटर्स हो गई थी, क्योंकि मैंने इंजन ऑयल चेंज कराया था पटना राजगीर वाले ट्रिप के पहले ही, तो अराउंड 2100 किलोमीटर्स हो गई थी। और मैं हर एक 2000 किलोमीटर्स पे जो है मैं बदलता हूँ अपनी इंजन ऑयल को फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सो गाइस, मैं भी हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, और मैंने यमुना एक्सप्रेसवे की 100 किलोमीटर मैंने पूरी कर ली है, और अब 100 किलोमीटर और है यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद मैं आगरा पहुँच जाऊँगा। और अभी टाइम हो रहे हैं 7:10,
और मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया हुआ है क्योंकि 100 किलोमीटर मैंने तक मैंने स्कूटी को नहीं रोका था, इसलिए मुझे स्टॉप लेना था तो मैंने स्टॉप ले लिया है। और हाँ, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्कूटी, आप मेरे लगेज देख सकते हैं स्कूटी पे। ये एक बैग है जिससे मैंने एक लेदर के सीट पे से रैप कर दिया जिससे वाटरप्रूफ ये बन गया है, और सॉरी लेदर नहीं, रबर का है। और एक मेरा ये साइड बैग है, और पीछे जो टायर मैंने चेंज कराया है वो है। आगे मैंने 5 लीटर की तेल की जरिकेन रखी है। और अब मैं चला वापस से हाईवे पर तो मैं हूँ ही, वापस चला मैं राइड शुरू करने, क्योंकि मैंने 6:55 में मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था। सो अभी 7:15 हो चुके हैं, मैंने 15 मिनट अपनी स्कूटी को रेस्ट देता हूँ। तो चलते हैं अब लखनऊ की ओर। सो गाइज, मैंने यमुना एक्सप्रेसवे पे 125 किलोमीटर कर लिया है, और यहाँ से वृंदावन है अराउंड 5 किलोमीटर, और मथुरा है अराउंड 25 किलोमीटर यहाँ से है। बस यहाँ से आगे से एक आपको टर्न मिलती है, वो कट बोल सकते हैं उसे, आप वहाँ से आप उतर जाए तो आप सीधा वृंदावन पहुँचेंगे और उसके आगे मथुरा। सो गाइस, मैं अब आगरा पहुंचने वाला हूं, और यहां से आगरा है अराउंड 28 किलोमीटर्स, और हाँ 28 किलोमीटर्स के बाद मुझे यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा, और यमुना उसके बाद कट लेके मुझे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में चढ़ना पड़ेगा, और उस हाईवे पे मुझे रहना पड़ेगा अराउंड 300 किलोमीटर्स, उसके बाद मुझे सिटी घुसना पड़ेगा। सो यह अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब देखते हैं। हेलो गाइस, सो मैं आ चुका हूँ अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। यमुना एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गई है, और यहाँ से है लखनऊ अराउंड 300 समथिंग किलोमीटर्स, और बस ये रूट तो आप लोगों ने देखा ही है पहले। यमुना एक्सप्रेसवे में आपको ज़्यादा रेस सर्विस है, आपको पेट्रोल पंप की भी दिक्कत नहीं मिल जाएगी, पर आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ना भाई ना, बस एक ही जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, और वहाँ पे अगर आप कट मार के जाइएगा तो आप अगर आप वहाँ पे कट मार कर जाते हैं तो आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं टोल के, जो कि है 20 रुपये। और आपको यहाँ पे बीच में कहीं भी शेल्टर के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ना पेड़ ना पौधे कुछ नहीं, जबकि आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको रोड के साइड में पेड़ बहुत दिखेंगे, और पेड़ अगर आपको कहीं रोकना हो तो पेड़ के छाया में आप खड़े रह सकते हैं, पर इस एक्सप्रेसवे पे आपको कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं। सिर्फ रेस्ट सर्विस मिलती है बस, वो भी 100-150 किलोमीटर पर। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि मैं क्रूज कंट्रोल का भरपूर फ़ायदा उठा रहा हूँ, मेरी गाड़ी चल रही है।
सो गाइस, मैंने आप लोग को बताया था कि इस एक्सप्रेस वे पर आपको सिर्फ रूम सर्विस रेस्ट सर्विस मिलेगा, वो भी 100-150 किलोमीटर के बीच में, और आप कहीं कहीं दुकान मिलेगा वो भी इस तरह का, आप देख सकते हैं। मुझे लिटरली गाड़ी यहाँ लगा कि उतर के जाना पड़ा उस दुकान के पास। हाँ, गर्मी बहुत है। मेरे पास पानी थी पर वो ख़त्म हो गई। रेस्ट सर्विस अभी यहाँ 70 किलोमीटर दूर है। अगर इस एक्सप्रेस वे पे आप आ रहे हैं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, तो ये आप श्योर कर लें कि आपके पास पानी और पेट्रोल दोनों सही हो, वरना आप, और पानी तो अधिक से अधिक मात्रा में रख लें आप, जितनी ज़रूरत ना हो उससे 2 बोतल एक्स्ट्रा ही रखें आप। क्या हो गया। सो गाइस, मैंने अभी जस्ट एक ब्रेक लिया था 1 घंटे का रेस्ट सर्विस एरिया में, और यहाँ से लखनऊ है अराउंड 83 किलोमीटर्स और मेरा रूम है 91 किलोमीटर्स। और हाँ, मैंने थोड़ा लंबा ब्रेक लिया क्योंकि जब, और ना ही मैंने एक बार भी ईटिंग ब्रेक मैंने एक बार भी नहीं लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आराम से भी 1 घंटा बैठ के थोड़ी बॉडी को भी रेस्ट मिल गई, स्कूटी को भी रेस्ट मिल गई। हेलो गाइस, सो मैं अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के एंड में हूँ, और यहाँ से मेरा होटल है अराउंड 25 किलोमीटर, जिसमें कि 10 किलोमीटर्स ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रहना है मुझे, और उसके बाकी 15 किलोमीटर वहाँ से मुझे लगेगा हाईवे से उतर के मुझे लगेगा जाने में अपने होटल रूम तक। तो ये राइड मेरी बहुत ही अच्छी रही। जाते वक्त मैंने, जब मैं जा रहा था तो मैं लखनऊ टू आगरा गया था, आगरा टू दिल्ली गया था, और वापस लौटने वक्त मैं डायरेक्ट दिल्ली टू लखनऊ आया हूँ। अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, यस यस बेबी। सो गाइस, अगर आप लोग मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोग मेरे कई पिक्स जो है जर्नी के वो मिस कर दिए होंगे, इसीलिए आप लोग मुझे पहले आके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, जो जिस मेरा इंस्टा आईडी है sudhanshu._sk, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर ले ताकि आप मेरी सारी पिक्स पूरी जर्नी की वहाँ देख सके आप, और आप मुझे एबी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा एबी पेज है BGPian सुधांशु, पर मैं ज़्यादा एक्टिव इंस्टा पे रहता हूँ, और इंस्टा पे मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकता हूँ, तो आप पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक दबा दो यार, वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं दबाते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ये ठीक बात नहीं हुई। अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करो और उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। आई एम श्योर दैट दे विल ऑल्सो लाइक इट, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
What's holding you down? I ain't like other.